न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नवागत मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराना ही है मुख्य प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने का दोहराया गया संकल्प। बसपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री गंगा निषाद ने अपने पुत्र के साथ थामा सपा का दामन, सपा के जिला अध्यक्ष ने किया स्वागत। वन कर्मियों की मेहनत लाई रंग, दूसरे दिन घंटों मशक्कत के बाद पकड़ा गया चिलबिल के पेड़ पर चढ़ा अजगर। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने किया गीता प्रेस का अवलोकन, कहा पूरे विश्व में वंदनीय नाम के रूप में जाना जाता है गीता प्रेस। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की बैठक, कहा बूथों का निरीक्षण कर करें वहां की कमियों को दूर, सकुशल संपन्न कराएं लोकसभा चुनाव। विश्व टीवी दिवस के अवसर पर आयोजित हुई इस टाइम टू मेक आवर डिस्ट्रिक्ट टीवी फ्री विषय पर बैठक, ऑडियो वीडियो के माध्यम से टीवी मरीजों की खोज की दी गई विशेष जानकारी। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने काली मंदिर से आसुरन चौक तक लगाया वैकल्पिक डिवाइडर, कहा राहगीरों को मिलेगी जाम से मुक्ति। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर छिपे हुए मरीजों की खोज और जन जागरूकता के लिए सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना, कहा 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए चाहिए सबका सहयोग। और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सम्राट अशोक क्लब ने निकाली राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य झांकी, कहा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उदासीन है लोग।